हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 67 और ये क्लास 3 to 5 के बच्चों के लिए है और ये वर्कशीट दिनांक 21/9/2020 के लिए है। ये वर्कशीट हिंदी व्याकरण की है, ठीक ना। और इस वर्कशीट में हम लोग सर्वनाम सीखेंगे और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और तब हम लोग वर्कशीट में आगे बढ़ेंगे। और एक बात और कि हमारे घर के बगल में कुछ लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए डीजे बजा रहे हैं। हो सकता है कि गाने की कुछ सुनाई दे, आपको गाना भी सुनाई दे, इसलिए आप लोग उसको इग्नोर करके अपने वर्कशीट पर ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए अनुच्छेदों को पढ़िए। इस वर्कशीट में हमें सर्वनाम सीखना है। आप जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है, शब्द का एक भेद है, ठीक ना। तो पहले संज्ञा आता है, उस भेद में हमने पढ़ा है, फिर सर्वनाम, मतलब जो संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। इसी चीज़ को हमें सीखना है। तो इसको सीखने से पहले कुछ हम लोग प्राथमिक बातों को जान लें कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों सर्वनाम जैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई। तो चलिए इसको जानने के लिए यहाँ दो अनुच्छेद दिए गए हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों को पढ़ते हैं बारी बारी से। देखिए इस अनुच्छेद में है, कह रहा है कमल एक लड़का है, कमल 9 साल का है, एक बार कमल आगरा घूमने गया, कमल ने आगरा में ताजमहल देखा, कमल ने आगरा में बहुत मज़े किए। अब देखिए इसी अनुच्छेद को इस तरह से हम पढ़ते हैं, कमल एक लड़का है, वह 9 साल का है, एक बार वह आगरा घूमने गया, उसने वहाँ ताजमहल देखा, उसने वहाँ बहुत मज़े किए। ठीक, अब देखिए इसमें बार बार कमल शब्द आ रहा है जो कि इसकी सुंदरता को, अनुच्छेद की सुंदरता को बिगाड़ रहा है। ठीक, और यहाँ कमल की, कमल मात्र एक बार आया, उसके बाद कमल के बदले में हमने कई शब्दों का प्रयोग किया, जैसे वह, फिर वह, उसने, वहाँ, उसने, वहाँ। तो कमल के बदले में और फिर कुछ स्थान के नाम के बदले में जो ये सारे शब्द उपयोग किए गए हैं, ये सभी सर्वनाम हैं। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि क्या आपने इन दोनों अनुच्छेदों में कोई अंतर महसूस किया, इनके लिखने के तरीके को देखिए कैसे लिखा गया है। दूसरे अनुच्छेद में कमल के नाम की जगह किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। कह रहा है दूसरे अनुच्छेद में बार बार नाम वाले शब्दों, मतलब संज्ञा शब्दों को दोहराया नहीं गया, जो कि पहले शब्द में बार बार कमल कमल दोहराया गया है, संज्ञा शब्द को, तो इसको दोहराया नहीं गया बल्कि उसके स्थान पर कुछ अलग शब्दों को प्रयोग में लाया गया, जैसे कमल के स्थान पर वह, उसने, वहाँ आदि। ठीक, अब कह रहा है कि नाम वाले शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये सर्वनाम की परिभाषा हो गई, सर्वनाम का डेफिनेशन हो गया। और आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि नाम वाले शब्दों, मतलब संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, चलिए आप समझ गए सर्वनाम किसे कहते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न ये है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और उसमें आए सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखिए। तो हम लोग पहले अनुच्छेद पढ़ते हैं और उसके बाद सर्वनाम के शब्दों को हम लोग छांट कर लिखेंगे। देखिए जैसे एक जंगल था, वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था, तो ये वहाँ जो है ये जंगल के लिए उपयुक्त हुआ, इसके लिए, ठीक ना, इस शब्द के लिए, तो ये सर्वनाम हो गया। उस पेड़ पर, यहाँ बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था, तो ये जो उस शब्द आया है ये बरगद के लिए आया है, तो ये भी सर्वनाम हो गया। फिर उस घोंसले में चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी, या फिर उस जो है सर्वनाम शब्द है। मैं जिस पर सर्कल कर रहा हूँ आप उसको सर्वनाम में लिखिएगा, ठीक ना। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया, वह, वहाँ, तो वह और वहाँ ये दोनों सर्वनाम है, ठीक ना।
चिड़ियों का शिकार करने आया था। जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जब सब जानवरों को सब जानवरों को शिकारी के आने का पता चला तो उन्होंने शिकारी को डरा कर भगा दिया। यहाँ जितने भी सर्कल किए गए ये मैं उसको फिर से कर देता हूँ। वहाँ उस और ये दोनों वह और वहाँ सभी जानवर जब और सब ठीक और उन्होंने ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। आप इनको सर्वनाम के बारे में सर्वनाम की जगह पर लिखिएगा ठीक ना, छांट के लिखना हो तो इन सभी शब्दों को छांट कर लिख दीजिएगा। अब करा नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम शब्द छांट कर नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा लिखिए। चलिए देखते हैं कहाँ क्या लिखा जाएगा। करा रजिया बहुत अच्छा गाती है। तो यहाँ हम लोग वह लिखेंगे ठीक ना, यहाँ क्या लिखेंगे, वह अच्छा गाती है। अच्छे ढंग से छोटे जगह पर नहीं होगा, वह ठीक अच्छी गायिका है। तो ये वाला हो गया एक। दूसरा है गुरदीप बहुत होशियार है, उसने परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। तो ये जो उसने है यहाँ लिखा जाएगा ठीक ना। उसने ठीक परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किया ठीक। देखिए अब देखिए तीसरा है मेरा नाम मोनिका है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। तो ये जो शब्द है ये यहाँ लगेगा मैं ठीक। नेक्स्ट होगा जॉन अपनी मम्मी के साथ चिड़ियाघर घूमने गया, वहाँ उसने। तो ये जो वहाँ जो शब्द है यहाँ लगेगा वहाँ उसने तरह तरह के जानवर देखे ठीक। अब बचाइए पांचवा। तो पांचवा का है गुलाबी रंग की फ्रॉक मुझे बहुत पसंद है। तो ये मुझे जो है यहाँ आएगा ठीक ना। तो सारे फिल इन द ब्लैंक्स हमने कर दिए और वो प्रश्न भी कर दिया। तो इस तरह से आपका ये वर्कशीट कंप्लीट हो गया और इसमें आपने सर्वनाम को समझा। पीछे से डीजे बज रहा है इसलिए आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा, उसको इग्नोर कीजिएगा। आपने सर्वनाम समझा और इसके साथ ही आपकी वर्कशीट पूरी हुई। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक लिए गुड बाय।